इस पॉडकास्ट सीरीज का मेन पर्पस है लोगों को एजुकेट और इन्फॉर्म करना। हम किसी के सेंटिमेंट या पब्लिक मोराल को हर्ट नहीं करना चाहते। हम किसी शख्स, समाज, लिंग या जेंडर, धर्म या पंथ, समुदाय, पेशे और मुल्क के फेवर में बायस नहीं है। इस पॉडकास्ट सीरीज में शामिल विचार, जानकारी या राय उन लोगों की अपनी है और इसका पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर से कोई लेना देना नहीं है। इस पॉडकास्ट के कुछ हिस्से सच्ची घटनाओं और पब्लिक इन्फॉर्मेशन से इंस्पायर्ड हैं। हमने उन्हें अपनी कल्पना से रोचक बनाकर ड्रामेटाइज किया है। हमने पॉडकास्ट में शामिल इवेंट्स को क्रिएटिव लिबर्टी लेकर रिक्रिएट किए हैं। पहचान छिपाने के लिए इस पॉडकास्ट के कुछ कैरेक्टर्स की आवाजों को बदला गया है। इस पॉडकास्ट सीरीज के मेकर्स ये दावा नहीं करते या इसकी गवाही नहीं देते कि हमारी दिखाई घटनाएं सही हैं, सटीक हैं। स्मोकिंग और शराब सेहत के लिए नुकसानदेह हैं और ये पॉडकास्ट किसी भी तरह की ड्रग्स, शराब या तंबाकू प्रोडक्ट्स को बढ़ावा नहीं देता या उसका प्रचार नहीं करता है। वॉइस किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देता, जैसे कि जुआ, सट्टा या स्मगलिंग। इस पॉडकास्ट में सेक्सुअल एक्ट्स का बेबाक ब्यौरा है, कठोर भाषा का इस्तेमाल है, गालियां और खून खराबा भी शामिल हैं। कुछ एपिसोड्स में सेंसिटिव टॉपिक्स जैसे कि सेक्सुअल वायलेंस की भी बातें की गई हैं, जो कि लिसनर्स के लिए ट्रिगरिंग हो सकता है। लिसनर्स को सलाह दी जाती है कि वो विवेक से काम ले। ये है द डार्क साइड ऑफ लव, अ वॉइस इंडिया ओरिजिनल। इस पॉडकास्ट सीरीज में लव की डेफिनेशन हर एपिसोड में चेंज हो रही है। फॉर गुड और बैड यू डिसाइड। एपिसोड 10 इज मैरिज अ लाइसेंस टू रेप। इस एपिसोड में हम सर्वाइवर रिक्वेस्ट पर उनका नाम रिवील नहीं करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल हर शिल्पी। स्टार्टिंग में शिल्पी थोड़ी शांत थी, बट धीरे धीरे शी ओपन्ड अप। इंटरव्यू से पहले उसने मुझसे बस इतना कहा, पता है मेरे इतने अवार्ड्स थे स्कूल में, सब जानते थे मुझे मेरे नाम से। मैंने इतनी कोशिश करी कि मेरे पति या उनके घर वाले कभी थोड़ी तारीफ कर दें, बट कभी नहीं करी किसी ने। बहुत बुरा लगता है मुझे ये सोचकर। मेरे घर में क्या था कि अगर बहुत पिटाई पड़ी है, मतलब मम्मी से, भैया से, भैया छोड़ते ही हाथ छोड़ देते हैं और मम्मी भी मतलब हाथ वाथ उठा देती थी गुस्से में, डंडे से मारना ये सब। पर पापा का क्या था, बस एक बार आँख दिखा देते थे, समझ में आ जाता था पापा गुस्से में। तो अपनी बातें हम मैं कह पाती थी पूरी बातें पापा से कि ऐसे ऐसे हुआ था, मैंने ऐसे किया था, तो वो समझ जाते थे। कुछ बोलते नहीं थे ना, डांटते थे। तो मेरी सोच लेकर यही थी कि जब भी शादी की बात होती थी घर का काम आना चाहिए। मेरी मम्मी हमेशा यही से बोलती थी, यहाँ पे नहीं करोगे तो ससुराल में कैसे करोगी। ये लाइन अपने लेवल पे देखती थी मैं, जैसे स्कूल में बहुत सारी चीजें कर लेती थी, मेरी बढ़ाइयाँ होती थी तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे, लाइक डांसिंग, सिंगिंग, तो मैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह में ज्यादा रहती थी। तो आप अपने पार्टनर से स्कूल में ही मिली थी? जब मैं 7th की 8th क्लास में थी तब मेरी बात हुई थी उनसे, और वो मेरे घर के पास ही रहते थे, मतलब गली में, तो उस वहीं से बात स्टार्ट हुई थी, मतलब बात करना नॉर्मल फ्रेंड की तरह। रिलेशन में मैं उनके साथ 9th की 10th में आई थी, पर पहले मैं उनको दोस्त ही मानती थी। उनके तरफ से शुरू से ही था, 8th क्लास से ही था कि उन्होंने मुझे प्रपोज किया था, बहुत सारी चीज़ें बोली भी थी, पर मुझे ना इतनी समझ नहीं थी उस बारे में, तो मैं बस फ्रेंड ही मानती थी। आपके घर में जब पता चला तो क्या हुआ? तो वो काफ़ी दिन से पता था उन्हें, पर वो बोलते थे कि बात नहीं करना है, लड़का अच्छा नहीं है। मैं किसी से बोल नहीं पाती थी अपनी फीलिंग या भी बता नहीं पाती थी, पर शादी तक मेरी इतनी ख्वाहिश नहीं थी, मतलब मैं शादी कर लूँगी उससे या कुछ, मैं उसे प्यार करती थी। वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे मेरी बात, तो उनके लिए सब कुछ गलत लग रहा था कि अगर तूने किसी लड़के से बात कर ली तो इसका मतलब तूने हमारी नाक कटा दी। जब पता चला घर वालों को तो मुझे गांव भेजने की, मेरी पढ़ाई, हमेशा मुझे पढ़ाई छुड़वाने की धमकी मिलती थी जो कि मेरी सबसे कीमती चीज़ थी। मुझे पढ़ाना बहुत पसंद था, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, वो सबको पता था। तो जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया ये सारी बातें कि ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही हैं और ये वो, तो वो कहते थे कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो जब कोई आगे से हमें सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छा लगता है, वो सही बन जाता है हमारी नज़रों में और बाकी सब गलत। तो आपकी शादी फिर हुई कैसे? 19 की थी मैं जब मेरी शादी हुई, 7 साल से रिलेशनशिप में थे तो इसमें कोई डेट फिक्स या कुछ पता ही नहीं था, सब कुछ सडनली हुआ, एकदम से मैंने घर छोड़ा और अगले दिन शादी हो गई, कुछ पता ही नहीं चला ही। मेरे हिसाब से लव मैरिज को सेल्फ चॉइस मैरिज कहना चाहिए। शिल्पी की भी सेल्फ चॉइस मैरिज थी क्योंकि उसने अपना पार्टनर खुद चूज किया था, एंड विच इज वाई शी वॉज डिसोन्ड बाई हर फैमिली। कोई बात नहीं कर रहा था, बस दीदी के थ्रू मम्मी और मेरे बीच कन्वर्सेशन हो रही थी। शिल्पी वॉज होपफुल क्योंकि उसकी मदर इन लॉ ने उसे और उसके हस्बैंड को एक्सेप्ट कर लिया था। फिर शादी के बाद कैसी चीजें बदल गईं शिल्पी? जब मेरी शादी हुई थी जिस दिन,
उस दिन मेरे हस्बैंड ने अपने दोस्तों से एक बात कही थी, उनके सामने कह रहा अब तो मेरे को तो लाइसेंस मिल गया है, मेरी शादी हो गई। तो मैं इस लाइन का मतलब समझ नहीं पाई थी। उसके बाद जब उसके घर पे गए, उसकी नानी मेरी कास्ट को लेकर के, मेरे कलर को लेकर के, उठना बैठना बोलना इन सारी चीजों पे हमेशा मुझे ताने देती थी। कोई ऐसा दिन नहीं गया जब से मैं उसके घर पे गई थी कि जिस दिन शांति से सब लोग सोए हों। तो मतलब शादी करने के बाद आपको लाइसेंस मिलता है ना सिर्फ मैरिटल रेप करने का, बट कास्टिज्म, कलरिज्म, मिसोजिनी दिखाने का, ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल हैं। कई बार ने मेरी साइड ली घर में, अपनी नानी को बोला कि नहीं आता है उसे, उसने कभी नहीं किया अपने घर में काम, तो कैसे करेगी। तो कभी अच्छा लगता था और कभी कभी वो मुझे ही हाथ उठा देता था। 3-4 बार उसने मेरे पे हाथ उठाया और अगर ये सब होती थी चीजें, सॉरी बोलने लग जाता था, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। ये सब चीजें प्रॉब्लमेटिक थी, मतलब शादी के कुछ दिन बाद से ही थी, पर मेरे पास कोई चारा नहीं था कि मैं करूं क्या। तो शादी के बाद आपके पार्टनर ऐसे ही वायलेंट और अग्रेसिव रहे? शादी के अगले दिन ही मतलब फिजिकल हुआ वो, पर उसने मुझसे नहीं पूछा। मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं उसके बारे में सोच पाती कुछ, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, पर मैंने कि ठीक है शादी जैसे कि हुई है तो शायद ये सब भी नॉर्मल हो, तो मुझे इतना अच्छा वो लगा नहीं कुछ। तो प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट हो चुकी थी। तो जब वो ये चीज कर रहा था तो मैंने उसको ये भी बोला था कि मुझे मतलब कि मैंने सुना है प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो मैंने कि मेरे को तो ये सब करना ही नहीं अभी, पर ये चीज हुई कंटिन्यूसली, ये सारी चीजें हुई, मैं उसे बोलती भी रही, उसने नहीं सुना, मैं प्रेग्नेंट भी हुई। मुझे इतना रोना आया कि जो चीज डर रही थी, मैं जो चीज सोच रही थी वो हुई। उसके बाद उसकी मम्मी से मेरी बात हुई, मतलब तो वो भी मुझे ही डांट रही थी कि तुम तो पढ़ने आई थी तो ये सब क्या कर रहे हो, मतलब तुम लोग दोनों। पर रवि से बात नहीं की उन्होंने, उसको क्यों नहीं फोन किया, मुझे किया। उन्होंने बोला ओबर्शन करा लो, मैंने ओबियसली कराना है मुझे, मेरे मन में था पहले से कि कराऊंगी, घर वालों ने जो सब कहा था, फिर वो सारी चीजें याद आने लगे कि शादी के बाद फिर बच्चे होते हैं, ये वाली लाइफ, और मुझे वो लाइफ चाहिए ही नहीं थी, अभी तो बिल्कुल नहीं चाहिए थी। तो इस सब के बीच में तुम्हारा पार्टनर कहाँ था? वो भी रोने लग गया, बोला सॉरी आगे से नहीं होगा। तो ऑपरेशन कराया, इतनी प्रॉब्लम हुई, 2 महीने तक ब्लीडिंग हुई मेरे को, मैं बहुत वीक हो गई थी, पर मैंने फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़ी अपनी। घर के काम में प्रॉब्लम आई, सेकंड घर का काम नहीं आता था। एक टर्म है सेक्सुअल गैसलाइटिंग, साइकोलॉजिस्ट डेविड वॉल ने उसे अपने एक स्टडी में डिस्क्राइब किया है। गैसलाइटर यूजुअली ये ट्राई करता है कि विक्टिम खुद अपनी सेक्सुअल रियलिटी को डाउट करने लगे। दे मेक देम बिलीव कि इट इज ऑल व्हाट दे वांटेड देमसेल्व्स। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के अकॉर्डिंग अमंग मैरिड वुमेन एज्ड 18-49 हु हैव एक्सपीरियंस सेक्सुअल वायलेंस, 83% रिपोर्ट देयर करंट हस्बैंड एंड 13% रिपोर्ट अ फॉर्मर हस्बैंड एज परपेट्रेटर। घर वाले बात नहीं करते, बस दीदी बात कर रही थी और बहुत माफी वगैरह मांग रही थी कि मुझे लग रहा है कि मैंने सच में गलत कर दिया। मैंने रवि को बता कर नहीं जाना है। मैंने क्यों कह नहीं, अगर तू जाएगी तो घर पे वापस मत आई हो। मैं बड़ी शॉक गई, मैंने ऐसे ही बोल रहा है, मैंने हल्के में ले लिया, मैंने रहने दो मैं जा रही हूँ, मैं चली गई दीदी से मिलने। मिल के आई वो, छुट्टी लेके आ गया जल्दी, और उसने मुझ पर हाथ उठाया कि तू मेरे मना करने के बावजूद क्यों गई मिलने, अगर तेरे को कुछ हो जाता तो। मैंने मुझे पता था नहीं होगा, और तूने मेरे पे हाथ क्यों उठाया, तुमने मुझे मारा कैसे। इन सबके बीच में शिल्पी के पति की नानी को शिल्पी के कास्ट और रंग से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, और इसी की वजह से वो लोग थोड़े दिन अलग भी रहे, मगर उसके बाद कोविड हो गया तो वो वापस आ गए। शिल्पी, आपके वापस आने के बाद किस तरह के चेंजेस आए आपकी लाइफ में? 4 बार मेरा ओबर्शन हुआ, मेरा शरीर ढल चुका था, मतलब एकदम पतली सी हो गई थी। तो मैं क्या ही बोलूं कि मेरी कैसी फीलिंग थी, बड़ा अजीब लग रहा था और समझ नहीं पा रही थी क्या करूं कैसे करूं। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम वाली ही थी, पर मेरे को कोई ऐसा पर्सन मिला नहीं था कि मैं किससे अपनी बात बोलूं, कोई मुझे समझेगा, क्योंकि शादी मैंने खुद से की थी, वो वाली बात मेरे मन में थी कि अगर मम्मी को फोन किया, मम्मी तो बात ही नहीं कर रही थी, सीधा फोन काट देती, ब्लॉक में डाल दिया था मुझे सबने, भैया ने सबने, और रिश्तेदारों से क्या ही, जब अपने घर वाले ही मेरे से बात नहीं कर रहे तो मैं और सबसे क्या कहूँ। मोनिका तिवारी शक्तिशालिनी की कोऑर्डिनेटर और काउंसलर है। शक्तिशालिनी एक दिल्ली बेस्ड एनजीओ है जो 1987 से जेंडर और सेक्सुअल वायलेंस पर काम करता है।
मोनिका, कंसेंट की क्या अंडरस्टैंडिंग होती है मैरिटल रेप सर्वाइवर्स में? बहुत कम महिलाएं होती हैं जो निकल कर ये बोल देती हैं कि मेरे साथ यौनिक हिंसा भी हुई है, सेक्सुअल वायलेंस भी हुआ है. फिर आप उनसे पूछो अगर कि क्या आपकी मर्जी से होता है, तो बहुत टाइम वो क्लूलेस होते हैं, क्योंकि उनका ये होता है कि ये तो नॉर्मल है, ये तो मतलब हस्बैंड वाइफ तो इसीलिए ही तो होते हैं क्योंकि इंटायर पर्पस ऑफ मैरिज इज सेक्स एंड प्रोक्रिएशन, तो कुछ गलत तो नहीं है. पर जब उनसे आप उनकी मर्जी पूछो तो बहुत बार ऐसा निकल के आता है कि नहीं, हमने हमारी मर्जी नहीं होती बहुत बार. तो कोई लड़की क्यों नहीं बोल पाती है इसके बारे में? एक, जब लड़की की परवरिश हो रही होती है, हम अपने साथ देख लें, आसपास की जगहों में देख लें, वो उसकी पूरी परवरिश ही होती है कि उसे एक दिन जाके शादी करना है, एक बीवी बनना है, एक अच्छी बहू बनना है. जब सारी कंडीशनिंग ऐसी है तो कंसेंट तो कहीं सिखाते ही नहीं है. अगर सामने से कोई अप्रोच कर रहा है आपके पार्टनर, आप उनको ना कह सकती हैं, यह आपका अधिकार है, चाहे आप एक शादी में हो, आप लिव इन में हो या कैजुअल रिलेशनशिप में हो. मोनिका, जब कोई शादी होती है तो उसमें ये सब कैसे स्टार्ट होता है? डोमेस्टिक अब्यूज इज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ मैरिटल रेप, जहाँ पे छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप कुछ कह रहे हो, आपको उसको वैल्यू नहीं दे रहे, मे बी मारपिटाई हो रही हो, आपके फाइनेंसेस कंस्ट्रेन हो जाते हैं और रोक दिए जाते हैं, आप डिपेंडेंट हो किसी इंसान पे, आपकी कोई सुन नहीं रहा है, और थिंग्स एस्केलेट एट टाइम्स. एंड देर आर टाइम्स जब पहले से ही नहीं पता है कि कंसेंट क्या है, सब कुछ ठीक है, बट वो जो जब सेक्सुअल रिलेशंस की बात आती है, इंटीमेसी की बात आती है, तो ये ही नहीं पता होता कि मेरी वाइफ है ये, तो मेरा उसके ऊपर अधिकार नहीं है. शिल्पी के केस में शी वाज कंप्लीटली आइसोलेटेड, पर अक्सर क्या होता है कि ऐसे सर्वाइवर्स को फैमिली मेंबर्स उस वक्त विक्टिम्स की तरह नहीं देखते, उन्हें लगते हैं तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम है. शिल्पी, आपको फिर फाइनली हेल्प कैसे मिली सबसे निकलने के लिए? जब मैं घर पे ही थी तो मुझे एक दीदी मिली थी, तो वो एक एनजीओ से थे, तो उन्हें सारी चीजें पता थी कि वो मेरी सारी फीलिंग समझती थी, मुझे समझती थी, क्योंकि तो उन्होंने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की थी उस टाइम पे जब मैं अपने ससुराल में थी. मैंने जाके दीदी को बताया सब कुछ, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया. फिर उन्होंने मेरे को बोला कि जॉब करना स्टार्ट कर अपने ऊपर, जब तू फाइनेंशियल मजबूत हो जाएगी तब शायद वो लोग तेरी कदर करें. तो मैंने ठीक है, फिर मैंने जब जॉब करने के लिए सोचा तो उसके लिए भी मना कर दिया. तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब यहाँ से निकलना है. तब दीदी ने मेरे अकाउंट खुलवाया, वहीं पे मेरे को एज अ मोबिलाइजर में जॉब दी. वहाँ की जो हेड मैम थी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि बेटे आपके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं. एक्चुअली दिस इज द काइंड ऑफ सपोर्ट नेटवर्क आई वॉज अर्लियर टॉकिंग अबाउट, कि कोई तो कहे कि हाँ तुम अकेले नहीं हो और ये जो हो रहा है ये एक एक्चुअल प्रॉब्लम है. अच्छा लगा मुझे बहुत सुनकर ये बात कि मेरे लिए है, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले हूँ. मुझे उस समय बहुत अकेला लगता था कि कोई समझेगा नहीं. तो तुमने उसको फाइनली छोड़ा कैसे? जब जॉब अप करना स्टार्ट कर दिया था, एक हफ्ता हुआ था, तो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने लगी थी मेरे हस्बैंड की तरफ से. तब हफ्शा दीदी ने सोचा कि तेरे लिए पहले रहने की जगह है, तब उन्होंने मुझे मतलब मेरे लिए शेल्टर होम ढूंढना स्टार्ट किया, तो उन्होंने शक्ति शालिनी को अप्रोच किया. तुमने कभी पुलिस के पास जाने की सोची थी? तो मेरे को नहीं लगा कि मेरे को सपोर्ट मिलेगा पुलिस से, अगर मैं जाऊंगी भी वो लोग भी मेरे को गलत समझने लग जाएंगे, जैसे मेरे घर ससुराल वाले. तो जब पुलिस वाले ने बुलाया भी ना, तो मीडिएशन करवाने के लिए, मुझे बड़ा अजीब लगा. अगर रेप हो रहा है तो वो भी तो बिना कंसेंट के हुआ है, तभी तो उसको रेप बोल रहे हैं, और उसको जिसके साथ हुआ है उसको प्रॉब्लम हुई. तो जब शादी हो रही है, अगर सेक्स बिना इजाजत के कर रहे हैं, तो वो भी तो एक जुर्म हुआ ना. तो अगर सोसाइटी में मैरिटल रेप को जुर्म नहीं समझा जाता है, तो क्या पुलिस उसको जुर्म समझती है? मैंने इसके बारे में मोनिका से बात करी, जो शक्ति शालिनी की काउंसलर और कोऑर्डिनेटर हैं. मोनिका, आप जमीन पर पुलिस और सर्वाइवर्स के साथ काम करती हैं, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में? जितने भी एक्सपीरियंसेस याद है सारे नेगेटिव ही हैं. वो सबको यही कहते हैं वापस चले जाओ, घर का मामला है, मियां बीवी का मामला है, सॉल्व कर लो, ये तो पर्सनल मामला है. बट जब वायलेंस होता है तो दैट इज नॉट पर्सनल, क्योंकि संविधान में आपके पास उसके लिए रिकोर्स है हिंसा के लिए, तो वो पर्सनल कैसे रह गया? वो तो
पब्लिक डोमेन की बात है ना, वो तो सबकी बात है। मुझे लगता है उनको, पुलिस वालों को, कि मैरिटल रेप की कोई समझ है। सेक्शन 375 क्रिमिनलाइजेस रेप विद एन एक्सेप्शन दैट सेज कि रेप विद इन मैरिज कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ऑड्री डिमेलो एक लॉयर हैं, उनके साथ मैंने बहुत लंबी बातें करी, कुछ ऑन द रिकॉर्ड कुछ ऑफ द रिकॉर्ड, जिसमें उन्होंने इसके बारे में बताया। जो रेप के सेक्शन हैं, वहां पे एक एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर किसी की शादी हुई और 18 साल के ऊपर है तो ये सेक्शन आपको लागू नहीं होगा। तो ये जो करंट लीगल बैटल हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, PIL अभी चल रही है मैरिटल रेप के बारे में, वो ये डिलीशन ऑफ ये सेक्शन के बारे में है। इन सितंबर 2022 द सुप्रीम कोर्ट बेंच लेड बाय जस्टिस DY चंद्रचूड़ रूल्ड दैट ऑल वुमेन आर एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन। अगर प्रेगनेंसी मैरिटल रेप से हुई हो तो द वुमन कैन सीक एन अबॉर्शन इन द टर्म ऑफ 20 to 24 weeks अंडर द एम्बिट ऑफ कोर्ट Survivors of sexual assault or rape, unquote. ये पहला recognition है of marital rape under an Indian law. Marital rape पर कोई special law नहीं है और उस हिसाब से जो ये Supreme Court की ruling आई थी ये काफी बड़ी बात थी, मगर उसके बावजूद हमारे किसी भी male political leader ने इसको officially recognize नहीं किया। Election के वक्त पे औरतों के वोट इन्हें जरूर चाहिए, मगर मुझे नहीं लगता कि मेरी lifetime में ये इसके खिलाफ कभी भी कोई law लाएंगे। 70s के पॉलिटिकल लीडर्स ज्यादा प्रोग्रेसिव थे, कम से कम उन्होंने अबॉर्शन के लिए एक लॉ तो डाला। मोनिका तिवारी जो शक्ति शालिनी की कोऑर्डिनेटर और काउंसलर हैं, उनसे मैंने ये समझने की कोशिश करी कि क्या सर्वाइवर्स भी चाहते हैं कि कोई ऐसा लॉ हो जो मैरिटल रेप को एड्रेस करे। तो जब हमें ये पता होगा ना तो केसेस रिपोर्ट होंगे एंड सर्वाइवर्स विल कम आउट एंड स्पीक, बिकॉज मैरिटल रेप है तो उतना ही हीनियस है, इनफैक्ट ज्यादा ही हीनियस है, क्योंकि आपका कोई ऐसा करे जिसका पूरा ट्रस्ट है आपका, पूरा कॉन्फिडेंस है आपका, आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, आपने शादी की है उस इंसान से, वो इंसान उस पार्टनरशिप को तोड़ रहा है बार बार, तो बहुत सीवियर है ये। और इसको हम ये कह के डाइल्यूट कर देते कि आपसी बात है, शादी है, तो जो शादी की अगर हम सैंक्टिटी की बात करते हैं एज एन इंस्टीट्यूशन जो सुप्रीम है उसकी बात करते हैं, तब तो और भी जरूरी है ये लॉ होना। एक तरफ हम अक्सर हमारे पॉलिटिशियंस को सुनते हैं ये कहते हुए कि मैरिटल रेप पर बात करना हमारी सभ्यता कल्चर के खिलाफ है, ये कॉन्वर्सेशन ही डिस्ट्रक्टिव है। उन्हें लगता है कि अगर लॉ में मैरिटल रेप को लेकर एक स्पेशल प्रोविजन लाया गया तो The fabric of Indian marriage and Indian family system will be damaged. वहीं दूसरी तरफ है men's rights movement के लोग। इन्हें लगता है domestic violence और dowry की तरह अगर marital rape पर laws बनते हैं तो all of this will be used to file fake rape cases on men. हर बार ऐसी headlines या ऐसे slogan सुनती हूँ, आज की sweet you, कल की me too. मुझे लगता है इसको सिर्फ एक ही चीज change कर सकती है, वो है the right sex education, जो हमारे यहाँ कोई देने को तैयार नहीं। मोनिका, मैरिटल रेप जैसे मुद्दे के लिए सेक्स एजुकेशन कितनी जरूरी है? ये चीजें तब तब से शुरू हो सकती है जब हम स्कूल्स में कंसेंट की बात करेंगे, जब हम सेक्स एजुकेशन की बात करेंगे, हम बॉडी पार्ट की बात करेंगे, सेफ टच अनसेफ टच की बात करेंगे, गुड टच बैड टच की बात करेंगे, तो द गर्ल्स द बॉयज दे विल नो कि मुझे कहाँ ना बोलना है, कहाँ हाँ बोलना है। शिल्पी, तुमने कभी भी अपने पति को बोला कि ये सब मत करो मेरे साथ? आदमियों का कहना है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसा मेरे हस्बैंड का कहना था। मुझे तो नहीं करता ऐसा मन, हम दोनों ही इंसान हैं, जेंडर है तो क्या। तो ये चीज़ शुरू से सिखानी चाहिए। आई थिंक इसके बारे में ना घर में बात होनी चाहिए कि जैसे अगर माँ बाप लड़की की शादी कर रहे हैं तो इसमें घर वाले बताएं कि अगर ये चीज़ है बिना कंसेंट के हो रही है, अगर लड़की आपको बता रही है बोल रही है तो उसको समझाओ, ना कि उसी में ही ढाल दो कि नहीं ये तो होता ही है, अपने लड़की की शादी कर दी तो बस आपका काम खत्म। उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसकी बातों को समझना चाहिए। I remember a couple of years ago a tweet went viral. A divorced daughter is better than a dead daughter. It's quite strong. It talks about a collective responsibility as a society to stop believing in concepts like बेटी तो पराया धन है। But tweets तो कुछ seconds के लिए होते हैं, पेट्रियार्की हमेशा रहती है।
हर दिन आपके साथ सेक्सिज्म होता है। आपके घर में जब कोई आता है तो हमेशा लड़की को कहा जाता है जाके चाय बनाओ गेस्ट के लिए, कभी हमारे भाइयों या पतियों को कहा नहीं जाता। दीज आर जस्ट सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ वी आर कंडीशन टू बिलीव कि हमारा भाई या हमारा पति हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक मेरा पति मेरा देवता है। दिस कंडीशनिंग इज यूजली सटल एंड गेट्स वर्स, बट इन आवर कंट्री प्री मैरिटल सेक्स इज नॉट एक्नॉलेज्ड एंड नेवर डिस्कस्ड। शादी मतलब सेक्स एंड देन एवरीवन इज लेफ्ट टू फिगर आउट व्हाट टू डू सेक्सुअली और इमोशनली विद योर पार्टनर। शिल्पी की फैमिली अगर उसे थोड़ा सपोर्ट कर देती, थोड़ा प्यार वार्म्थ एक्सेप्टेंस के साथ, तो शायद उसकी कहानी कुछ और होती। मगर यहाँ उन्होंने क्या किया, जाओ अपनी लड़ाई अकेले लड़ो, ऑल बिकॉज यू मैरिड अ पर्सन यू लव्ड। मगर मुझे लगता है अरेंज मैरिजेस में भी कोई खास मदद नहीं करते हैं, खासतौर से मैरिटल रेप के केस में। प्यार अपने आप ही हो जाता है, प्यार मतलब बातों से, तरीकों से, एक दूसरे को समझना, केयर करना और सपोर्ट दोनों का। अगर कोई चीज कॉम्प्रोमाइज करनी है तो दोनों करेंगे, मतलब 50-50 होना चाहिए। कोई भी स्टेप लेना है तो दोनों की कंसेंट होनी चाहिए। जितनी पाबंदी घर वाले लगाते हैं उससे कई ज्यादा सोसाइटी लगाती है, चाहे पर्सनल स्पेस हो या पब्लिक स्पेस। अगले एपिसोड में बात करेंगे मॉरल पुलिसिंग की, जो आप मैं हम सब ने कभी न कभी तो फेस करी है। सुनते रहिए। The Dark Side of Love, a Vice Media production, narrated by Neha Dikshit.